A very warm good morning, everyone. How are you? I'm Ruchi Gupta, your EVH teacher. बच्चों हमने लेसन फिफ्थ स्टार्ट किया था. अच्छे से ध्यान है कौन सा लेसन? लेसन फिफ्थ. और लेसन फिफ्थ का नेम क्या था? आप भूल गए ना तो पिट्टी बनेगी अच्छी वाली. कौन सा लेसन था? वेज ऑफ रिक्रिएशन. क्या नेम था? वेज ऑफ रिक्रिएशन. मैम ने आपको उसका मीन भी बताया था. और इस लेसन में जो हमने रीड किया था वो क्या था? गेम्स, जिसे हमें खेलने में बहुत मजा आता है. हमने रीड किया था गेम्स एट स्कूल, जो गेम्स हम स्कूल में खेलते हैं. गेम्स एट होम, जो गेम्स हम घर में खेलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आगे का प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलना. टुगेदर, व्हाट इज द मीन ऑफ टुगेदर? टुगेदर मतलब साथ साथ. ठीक है, हम कोई भी गेम अकेले खेलते हैं तो क्या मजा आता है? ठीक, बोर हो जाते हैं. वो ठीक है, मजबूरी है, कोई नहीं है इनके इसमें खेलने वाला, तो हमने अकेले खेल लिया. बट खेलने का मजा कब है? जब हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में हो तो मजा अलग ही आता है. यस, इट्स ग्रेट फन टू प्ले विद फ्रेंड्स. बहुत मजा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में. प्लेइंग टुगेदर helps to build confidence, understanding, harmony and respect for one another. बेटा साथ खेलने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, खाली यही नहीं मजा आता है. साथ खेलने से क्या क्या होता है? हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. और क्या होता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है एक दूसरे से, हमारी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनती है. तो साथ खेलने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. These are certain things we must keep in mind while playing together. कुछ बातें, लेकिन साथ खेलने पर भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए. एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ आपको. बहुत से बच्चों का नेचर होता है वो साथ में खेलते हैं, ठीक है, अब वो खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते टाइम वो हार रहे हैं तो क्या होता है उन्हें? बहुत तेज गुस्सा आता है. उन्हें गुस्सा आता है क्यों? अरे ये हम एंजॉय के लिए खेल रहे हैं, मस्ती के लिए खेल रहे हैं. फिर वो क्या होता है? इरिटेट होते हैं, दूसरे से चिढ़ने लगते हैं और कोशिश करते हैं किसी भी तरह इसको बुरे से बुरा करें इसका. तो ऐसा नहीं, हमें खेलते टाइम क्या होता है? हार या जीत, लेकिन मस्ती के साथ खेलना चाहिए. जो भी कुछ खेलें मस्ती के साथ. मेक श्योर दैट नो वन इज लेफ्ट आउट. कोशिश करो कि कोई भी खेलते टाइम वहाँ से ना जाए. प्ले विद एवरीवन, हर किसी के साथ खेलना चाहिए. ये नहीं मेरा फ्रेंड तो यही है, मैं तो बस इसी के साथ खेलूंगा. नहीं, कभी मम्मी पापा के साथ भी खेलना चाहिए, अम्मा दादाजी के साथ भी खेलना चाहिए, बहन भाई के साथ भी खेलना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी खेलना चाहिए. स्कूल के फ्रेंड्स, जो क्लासमेट है, वो सब आपके फ्रेंड्स हैं. सबके साथ एक साथ मिलके खेलो. और घर पर हमारे नेबर्स के साथ हमें खेलना चाहिए. तो क्या होता है, हम लोग सबके साथ घुल मिल के रहना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें सबके साथ अलग अलग बिहेव करना होता है. फ्रेंड्स के साथ हम अलग मस्ती वाला बिहेव करते हैं, पेरेंट्स के साथ हम रेस्पेक्ट भी ध्यान में रखते हैं. तो हमें सबके साथ खेलना आना चाहिए. प्ले विद एवरीवन इन द क्लास एंड नेबर्स. प्ले विद एवरीवन, सबके साथ खेलना चाहिए क्लास में और नेबरहुड में. नो गेम इज स्पेशली मीट फॉर बॉयज और गर्ल्स, प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर. अच्छा, बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं? अरे अरे जा, तू तो लड़की है, जा गर्ल्स वाले गेम खेल. हम खेल रहे हैं तो हम नहीं खिलाएंगे तुझे क्रिकेट, जा जा जा, तू तो गर्ल है, तू गर्ल्स वाली गेम खेल. अरे नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता. एवरी गेम हर किसी के लिए होता है. गर्ल्स क्रिकेट भी खेल सकती हैं, बॉयज घर घर भी खेल सकते हैं. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर गेम नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि बॉयज अलग खेलेंगे गर्ल्स अलग खेलेंगी, क्योंकि बॉयज के गेम्स अलग हैं गर्ल्स के अलग हैं. सारे गेम सबके लिए हैं, सब मिलजुल के खेलो और मस्ती करो खूब खुल के, ठीक है. Yes, अब एक छोटा सा वर्क पहले मैं आपको दे रही हूँ, है ना, ये बहुत छोटा सा वर्क मैम आपको दे रहे हैं, तो अभी तो आपको करना है, लेकिन कल मैम भी आपको इनके आंसर बताएंगी, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग खुद कितना कर सकते हैं. और नहीं कर पाए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैम आपको बताएंगे ना, ठीक है. पर पहले कोशिश, कोशिश करना अच्छी बात है ना. जब हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड शू 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 ये मशीन चलने लग जाती है करके, है ना. तो इस मशीन को चलाना है, और जब नहीं हो पाएगा तो मैम है आपकी हेल्प करने के लिए.
यस, तो ये आपका होमवर्क, सो राइट हियर होमवर्क एंड डेट, क्लियर। नेक्स्ट है फन एंड फाइट्स एट प्ले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मींस ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है? गेम्स और स्पोर्ट्स का मतलब है रिक्रिएशन और रिलैक्स होना, मतलब अपने आप को आराम देना। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप फिट, गेम्स खेलने से, एब्सोल्युटली राइट, गेम्स खेलने से हम फिट रहते हैं, हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, हमेशा हम एक्टिव बने रहते हैं। इसलिए आप कभी भी देखना, जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत एक्टिव मिलेंगे आपको, और जो आर्मी वगैरह में होते हैं ये भी बहुत एक्टिव मिलेंगे, क्योंकि रेगुलर रनिंग करके रनिंग करते रहते हैं। तो इसलिए सब बच्चों को स्पोर्ट्स भी जरूर खेलना चाहिए। बेटा जिस तरीके से स्टडी कंपलसरी होती है, इसी तरह स्पोर्ट्स गेम्स ये भी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, इसके बिना हम अधूरे हैं। स्टडी से हमारा माइंड शार्प होता है और स्पोर्ट्स एंड गेम्स से हमारी बॉडी और रिलैक्स, तो हम सुपर इंटेलिजेंट बन जाते हैं, क्लियर। समटाइम्स प्लेइंग टुगेदर लीड्स टू फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सम चिल्ड्रन स्टार्ट शाउटिंग एंड बुलिंग अदर चिल्ड्रन, वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व सच फाइट्स पीसफुली। कभी कभार क्या होता है कि खेलते टाइम, आपने देखा है जब खेलते हैं तो खेलते टाइम क्या, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम आपस में लड़ना शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम गलत सोच जाते हैं एक दूसरे के बारे में कुछ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोगों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है, तो ये ठीक बात नहीं है। सम चिल्ड्रन स्टार्ट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाना करते हैं, ए तू चुप हो जा, तूने ऐसे क्या था, तूने चीटिंग की थी, नहीं मैंने चीटिंग नहीं की थी, तूने की थी। क्या होता है, बच्चे आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और टक 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 टक, है ना। यस, तो वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा फ्रेंड अगर लड़ रहा है सामने वाले से, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, हां देख लड़ रहा है, या फिर अच्छा मेरा फ्रेंड लड़ रहा है, चल मैं भी मेरे फ्रेंड की हेल्प करता हूँ, और हम भी हमारे फ्रेंड के साथ गए और हमने भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। नो, हमें क्या करना चाहिए, उस लड़ाई को रोकना चाहिए, शॉर्ट आउट करनी चाहिए उसको, उस फाइट को वहीं पर रोकना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व सच फाइट्स पीसफुली, हमें क्या करना चाहिए, शांति से दोनों को बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं, कि सुनो यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, कोई नहीं अब छोड़ो, हम खेल रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं ना, चलो एंजॉय करते हैं। तो पीसफुली होके शांति से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वन वे टू अवॉइड फाइट्स एंड प्ले इज टू म्यूचुअली डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम इन अ फ्रेंडली मैनर बिफोर प्लेइंग इट। खेलने से पहले हमें उसके रूल और रेगुलेशंस एक दूसरे को बता देने चाहिए, ताकि हमारी लड़ाई आपस में ना हो और हम शांति से प्यार से आपस में साथ साथ खेलें। तो खेलते टाइम क्या करेंगे, हम लड़ाई करेंगे ना, करूंगा अगर लड़ाई की, तो क्या करना है, हमें प्यार से खेलना है एक दूसरे के साथ, और अगर कोई बात हो जाती है तो उसको शांति से समझदारी से सॉल्यूशन निकालना है। अब है हमारा सम अदर्स मीन ऑफ रिक्रिएशन, ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना अच्छी बात है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें आज बेटा फिलअप्स कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन वर्ड, ये आपको अपनी बुक में करने हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको बुक में करने हैं, यहाँ आप डेट मेंशन करेंगे, फिर यहाँ क्लासवर्क मेंशन करेंगे, फिर आपको ये वर्क करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर इन वन वर्ड। इसको मैम एक बार आपको व्हाट्सएप की फोटो भी सेंड कर देंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।